morning, everyone. This is Nadia Ali Khan reporting from Consumer Voice. Since India's economic growth rate started cooling from 8% high of 2010 to 6% in late 2011, life of millions has affected sharply, and especially the labor class. Economists have long held divergent views over the extent of the impact of economic growth can have on people's lives and in reducing poverty. But there is a broad consensus that the current slowdown in growth threatens to spread poverty faster in India than wealth trickled down during the boom years. It means that companies cannot even afford to borrow cash, while India's middle class refrain from buying cars or houses. Consumer Voice took views of the common man on inflation and its impact in the day-to-day life. मेरा नाम राजा बाबू है, मैं ट्रक का ड्राइवर हूँ, कमाता तो हूँ 200 रुपया 300, मगर उसमें भी भरपाई नहीं हो पाता है। महंगाई इतना है कि आप देख लीजिए, एक लीटर दूध का ही दाम है 32 रुपये, अब उसमें कैसे एक किलो का जो है दाल का दाम है 100 रुपये, अब इसमें कैसे गुजारा होगा। सार जो कमाता हूँ यहीं रह जाता है, बिहार क्या जाएगा, बसता ही नहीं। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि अब दिल्ली छोड़ो और पुनः बिहार पहुँचो, वहीं हल जोतेंगे और वहीं कुछ जुगाड़ करेंगे। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सोच के आए थे कमाएंगे, कुछ बचाएंगे, गांव ले जाएंगे, मगर यहाँ तो कर्जी हो जाता हर महीने। हम सूरज भान है, सरकार ये कहती है 32 रुपये कमाने वाला ठीक है, उसके खर्च चल सकता है। सरकार मेरे को ये बताया कि 32 रुपये अगर चांदनी चौक यहाँ से जाओ तो 32 रुपये तो किराया लग जाएगा। 32 रुपये कमाने वाला क्या खाएगा बताओ, उससे एक टाइम की रोटी नहीं मिलती होटल से। मैं डेली के 300-400 रुपये कमाता हूँ, फिर भी मेरे घर में खर्चा नहीं पूरा होता। महीने का कभी किराया नहीं दे पाता, तो कभी कुछ नहीं तो कभी कुछ नहीं, और फिर भी सरकार कहती है कि 32 रुपये कमाने वाला अमीर है। इस सरकार मतलब किस हिसाब से सरकार ने सर्वे किया है समझ में नहीं आता है। क्योंकि 32 रुपये में आता क्या है, 32 रुपये में दो पान नहीं आते मीठे। हम बेच रहे हैं पान, नहीं आते पान, और जितने राजनेता लोग हैं सब खाते हैं पान, उनकी कैंटीन में नहीं मिलता होगा 32 रुपये में खाना, तो जहाँ वो खुद अपना बैठे हुए हैं। और किसी के कहने से कि 32 रुपये में आदमी अमीर है और 16 रुपये में गरीब है, तो ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। महंगाई बढ़ गया है, जो चीज़ पहले 72 का आता था वो आज के डेट में 98 का आ रहा है। अब हम लोग 10-10 का बेचते थे, 12 दहन के 120 रुपया बनता था, अब कमाई कम हो गया है महंगाई के चक्कर से। अब एक दूध की थैली लो सवेरे आधा किलो, वो 19 रुपये की आ रहा है, 32 रुपये में कहाँ से खाना खा लेगा। सरकार तो ऐसे बोलते हैं जो हाँ इतने में खाना खा लेगा, 19 रुपये की दूध की थैली आ रहा है आधा किलो का, कहाँ से गुजारा होगा इसमें। जिसके घर में दो बच्चे हो, मियाँ बीवी हो, 2000-3000 रुपये क्वार्टर किराया लग जाता है, बिजली बिल लगता है, पानी बिल लगता है, वो भी पानी भी नहीं मिलता है आज के डेट में। पता नहीं सरकार क्या सोचती है कि महंगाई बढ़ाने से गरीब आदमी कहाँ जाएगा, सरकार को दिखता है या नहीं दिखता है। क्योंकि सरकारी नौकरों को तो चलो महंगाई भत्ता मिल जाता है या उनको खर्चे मिल जाते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं वो कैसे करेंगे काम, मुझे समझ में नहीं आता। उनकी तनख्वाहें लिमिटेड हैं, और वो काम करेंगे तो खाना खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। किराया बढ़ रहा है, जो हर चीज़ बढ़ती है, बिजली का बिल, और कैसे आदमी रहेगा समझ में नहीं आता। सरकार चाहती क्या है, मतलब आम आदमी को भगा देना चाहती है। फॉर फर्दर डिटेल्स यू मे ऑल्सो सब्सक्राइब टू कंज्यूमर वॉइस मैगजीन। फॉर सब्सक्रिप्शन कॉन्टैक्ट 011-4733-1014 और मेल अस एट सब्सक्रिप्शन @consumer-voice.org।